दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि गेंडा खेती कर सकता है? ये सवाल थोड़ा अजीब और अनोखा जरूर है, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे वाकई ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, आपने गेंडे की हकीकत में भले ही इसके दर्शन ना किए हो, लेकिन टीवी में जरूर देखा होगा। और आजकल तो यूट्यूबर का जमाना है जहाँ गेंडा भी 6 इंच की स्क्रीन के अंदर अपनी सारी ताकत दिखा सकता है। और इसी बात का फायदा उठाकर आज हम आपको 6 इंच की स्क्रीन के अंदर गेंडे के बारे में ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे जो आपने पहले शायद ही कभी सुनी हो। वैसे तो गेंडा भाई साहब दिखने में किसी भारी भरकम भैंस की तरह होते हैं, लेकिन इनकी नाक के ऊपर लगा एक सींग इन अनोखा बनाता है। लेकिन इनका गुस्सा किसी की भी जान लेने के लिए काफी है। अगर इन भाई साहब को गुस्सा आ जाए तो फिर गाड़ी को भी उठाकर पटक देते हैं। और दोस्तों, वैसे तो इनके पास एक ही सींग होता है, लेकिन ये अकेला सींग ही दो दो सींग वालों के छक्के छुड़ाने के लिए काफी है। खैर, आज के वीडियो में हम कुछ और ही लेकर आए हैं। जरा वीडियो को देखिए, आपको यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? लगता है इस किसान की आंखें खराब हो गई है और इसलिए गाय बैल की जगह गेंडे से खेती करवा रहा है। अगर आंखें खराब नहीं हुई हैं तो फिर जरूर उसका दिमाग खराब हो गया है। आप ही बताइए, भला कोई गेंडे से खेती करवाता है? दोस्तों, अगर आप भी इस वीडियो की सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस वीडियो को लाइक करके आराम से अंत तक बने रहना है, सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप लोग गेंडे के बारे में क्या क्या जानते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आप में से 90% लोग गेंडे के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि गेंडे के आगे एक सींग होता है। उससे ज्यादा अगर कोई जानता है तो हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको गेंडे के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप गेंडे को बहुत अच्छी तरह से जानने लगेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें, गेंडे का सींग मार्केट में बहुत ज्यादा कीमती होता है, ठीक उसी तरह जिस तरह मार्केट में हाथी का दांत कीमती होता है। और इसलिए शिकारियों ने गेंडा प्रजाति की नाक में दम करके रखा है। और अब आलम यह है कि जंगल में गेंडे की संख्या भारी मात्रा में कम हो रही है। लगातार शिकार होने से इनकी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर खड़ी है। हालांकि सरकार इसे बचाने का पूरा प्रयास कर रही है, मगर सरकार आखिर कब तक इन्हें बचाती रहेगी? क्योंकि कुछ लालची लोग रात को चोरी छिपे जंगल में जाकर इनका शिकार करते हैं और फिर मार्केट में इनके सींग को बेच देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग भी हैं जो गेंडे से प्यार करते हैं और इन्हें अपने खेतों में गाय भैंस की तरह पालते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये लोग शायद गेंडे की प्रजाति को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ हकीकत कुछ और ही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये लोग गेंडे से खेती करवाते हैं। जहाँ खेतों में बैल हल चलाया करते हैं, वहीं इस इलाके में अगर आपको बैलों की जगह गेंडे हल चलाते हुए दिख जाए तो घबराना मत, क्योंकि यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ के लोगों ने इस आक्रामक जानवर की सेवा करते करते इसको भी गाय की तरह विनम्र बना दिया है। दोस्तों, हम आपको बता दें, काई नेशनल पार्क में बस कुछ ही गेंडे बचे हुए हैं और अब तो इनके अस्तित्व पर संकट भी छा गया है। दोस्तों, अगर आप एक नजर इतिहास की तरफ डालें तो हमें पता चलता है कि पुराने जमाने में गेंडों का इस्तेमाल लोग सवारी के लिए किया करते थे, ठीक ऊंट और घोड़े की तरह। कई जगह इनसे काम भी करवाया जाता था। वैसे आपको तो पता ही होगा, पुराने जमाने में लोगों को शिकार करने का बहुत शौक था और जंगल में गेंडे का शिकार भारी मात्रा में किया जाता था, क्योंकि इसका सींग बाजार में काफी महंगा बिकता है और इसीलिए जंगल में मनोरंजन के साथ साथ लोगों को पैसे भी मिल जाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी चीज है। इसके बाद तो फिर मानो गेंडों की किस्मत ही रूठ गई और इंसानों ने इनका इतना शिकार किया कि धीरे धीरे जंगल में से गेंडे गायब होने लगे, मतलब विलुप्त होने लगे। अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि भला गेंडे के सींग में ऐसा क्या है जिसके कारण बाजार में इसकी कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिसके पास सोना होता है वही अमीर होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसके पास हजारों गेंडे है वो भी अरबपति बन सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि अब हम जो आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हमारा काम आपको जानकारी देना है और हम वो जानकारी देंगे ही देंगे, लेकिन आपको अपना काम भी तो याद रखना चाहिए। हाँ जी, आपका काम है वीडियो को लाइक करना। चलिए, अब हम आपको बता ही देते हैं कि 10 ग्राम वजनी गेंडे के सींग की कीमत 10 ग्राम सोने से भी ज्यादा होती है। मतलब अगर आपको कहीं से 50 ग्राम या 100 ग्राम गेंडे का सींग मिल जाता है तो आप आराम से लखपति बन सकते हैं। और अगर आपने अपने खेत में 100, 200,
गेंडे पाल लिए तो आप आराम से करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना काम धंधा छोड़कर गेंडे को पालने में लग जाएं, क्योंकि प्राणी बहुत ही गुस्सैल और खूंखार होता है। अगर किसी दिन मुझे यानी इसको गुस्सा आ गया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। खैर फालतू बातें छोड़िए और अब हम आपको असम लिए चलते हैं, जहां पर गेंडों से खेती करवाई जाती है। यहां पर गेंडों को हल चलाता हुआ देखकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन ये गेंडे इस खेत में जंगल से भी ज्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि भाई साहब अगर किसी ने यहाँ पर इनका शिकार करने की कोशिश की तो इनका मालिक उसकी जान ही ले लेगा। दोस्तों अब हम आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाने वाले हैं जो कहने को तो एक किसान है, लेकिन असल में ये आदमी करोड़पति है, क्योंकि इस आदमी के पास पूरे 6 टन गेंडों के सींग मौजूद है। लेकिन ये आदमी गेंडों को इतना प्यार करता है कि उसने आज तक गेंडों का एक भी सींग नहीं बेचा है। और दोस्तों इस शख्स का नाम है जॉन ह्यूमे। जॉन के कारनामे देखकर आप इन्हें सैल्यूट ठोकेंगे। जॉन के पास सैकड़ों की तादाद में गेंडे मौजूद है और जॉन इनकी बहुत देखभाल करता है। जॉन इन्हें अपने हाथों से चारा खिलाते हैं, साथ ही पानी के प्रेशर से इन्हें नहलाते भी है। जॉन ने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं गेंडों के नाम कर दी है, वो अपना पूरा समय इनके साथ व्यतीत करते हैं। जॉन को आइडिया उस समय आया जब गेंडों की तादाद लगातार कम हो रही थी और इसलिए इन्होंने गेंडों से खेती करवाने का प्लान बनवाया। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये तो बिल्कुल मूर्खों वाला आइडिया है, क्योंकि आज के जमाने में जहां एक तरफ ट्रैक्टर और बड़ी बड़ी मशीनों से बहुत ही कम समय में खेती की जाती है तो फिर भला गेंडे कितनी खेती कर पाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि गेंडों से खेती करवाना तो बस एक बहाना है, दरअसल जॉन गेंडों को बचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने खेतों में गेंडों को गाय की तरह पाल लिया। जॉन सभी गेंडों को बिल्कुल गाय की तरह रखते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि जॉन का ये आइडिया बिल्कुल नया है, हम आपको बता दें पुराने समय में भी गेंडों से खेती करवाई जाती थी और इनका उपयोग सामान ढोने के लिए भी किया जाता था और कुछ आलसी लोग गेंडे की सवारी भी करते थे। लेकिन उस समय के लोग रस्सी को गेंडे के सींग से बांध देते थे और फिर उनसे हल चलवाते थे, जिसके कारण गेंडे के सींग पर बहुत जोर पड़ता था और कई बार ये टूट भी जाता था। अब आप भी बताइए अगर हमारे बालों को बांध कर कोई खींचेगा तो हमें कितना दर्द होगा, लेकिन इंसान भला जानवरों का दर्द कहां समझते हैं। लेकिन जॉन ह्यूम ने उनके इस दर्द को भली भांति समझ लिया और इसीलिए वो खेती करते समय रस्सी को गेंडे के सींग से नहीं बांधते बल्कि गेंडे की मोटी गर्दन में बांधते हैं। हालांकि जॉन का कहना है कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता, दिन भर इनकी देखभाल करनी पड़ती है और इन्हें दाना पानी देना पड़ता है। जॉन का कहना है कि अगर इंसानों ने गेंडों को बचाने के लिए जल्द से जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो बहुत जल्द इनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों गेंडे के बारे में आप काफी का जान चुके हैं और अब ऐसे घोड़ों से मिल लीजिए जो गेंडों की तरह खेतों की जुताई करते हैं। दरअसल उत्तरी न्यूयॉर्क और दुनिया के कई हिस्सों में आज भी पारंपरिक तरीकों से घोड़ों की मदद से खेती करवाई जाती है। इन्हें ड्राफ्ट हॉर्स के नाम से जाना जाता है। भाई साहब दुनिया में लोग क्या क्या नहीं करते। कुछ लोगों ने देखा कि घोड़े तो बहुत तेज रफ्तार से दौड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने इन्हें खेतों में जुताई के काम पर लगा दिया। लेकिन कुछ भी हो घोड़े एक लिमिट तक ही जुताई कर सकते हैं। हाँ लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में इनका इस्तेमाल लॉगी के तौर पर किया जाता है। मान लीजिए आपको किसी घने जंगल से कुछ लकड़ियां लानी है और वो वहां पर घोड़े आपका काम आसान बना देंगे, क्योंकि घने जंगल के अंदर ट्रक नहीं जा सकता। लेकिन आजकल लोग जंगलों को इतनी बुरी तरह से काट रहे हैं कि जंगल के अंदर एक नहीं बल्कि 10-10 ट्रक आसानी से जा सकते हैं। लेकिन इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि आगे चलकर इसके भयंकर दुष्परिणाम होंगे। खैर समझने वाले समझ गए होंगे और अब हम भी आपसे विदा लेते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।